हाँ जी दोस्तों, तो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब एकदम सेफ और एकदम बढ़िया हैं। तो आज हम दो केस लॉ पढ़ते हुए चलेंगे, जिनमें से नंबर वन जो केस लॉ आज हम कवर करेंगे, दैट इज वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज। मतलब पहला केस लॉ जो आज हम कवर करने वाले हैं उसका नाम है वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज। तो आज मैं आपको जल्दी से बताऊंगा कि इस केस लॉ में क्या हुआ, कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया और आप लोग इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ज्यादा देर नहीं करेंगे, मैं आपको डिटेल में बता देता हूं कि इसमें क्या हुआ था। एक कंपनी थी ए लिमिटेड। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड दूसरी कंपनी थी, उसके शेयर्स परचेज करे। मतलब ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के शेयर्स परचेज करे, मतलब इन्वेस्टमेंट किया। और अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बदले में रिटर्न मिलेगा। तो बी लिमिटेड से ए लिमिटेड को जो रिटर्न मिला उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ये डिविडेंड कहां जा रहा था, सीधा का सीधा ए लिमिटेड के पीएनएल में, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जा रहा था ए लिमिटेड के पीएनएल में, ठीक है। अब ऐसे ही 3-4 सालों से चलता रहा। अब ए लिमिटेड ने क्या किया, ए लिमिटेड ने एक होली ओल्ड सब्सिडरी सी लिमिटेड करी, और जो ए लिमिटेड के वर्कर्स थे दे आर वेटिंग कि ये जो पीएनएल से पैसा है इनमें से इनको क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी होती है कि बोनस पेबल टू द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को उनका हक का पैसा तो मिलेगा। तो वर्कर्स और वेटिंग कि पीएनएल में जो भी एक्सेस मनी आ रहा है वो वर्कर्स तक पहुंचेगा। लेकिन ए लिमिटेड ने क्या किया, ए लिमिटेड ने एक कंपनी बनाई सी लिमिटेड, जो कि ए लिमिटेड की सब्सिडरी थी। सब्सिडरी भी नहीं, होली ओल्ड सब्सिडरी। इसका मतलब जिसकी मेजोरिटी ऑफ शेयर्स किसके पास थे, ए लिमिटेड के पास। अब ए लिमिटेड ने जितना भी अपना पीएनएल का बैलेंस था वो सारा का सारा कहां शिफ्ट कर दिया, सारा का सारा मतलब ये जो डिविडेंड की इनकम आ रही थी ना इधर की इधर, सारी की सारी एक्स्ट्रा वाली, सारी की सारी कहां डाल दी, सी लिमिटेड में। अब ए लिमिटेड के पीएनएल में जो बैलेंस शो हो रहा था वो शो होना बंद हो गया, अब वो पैसा नहीं हो रहा। तो ए लिमिटेड ने बोला कि जबकि एक्सेस पेमेंट है ही नहीं तो हम वर्कर्स को बोनस नहीं दे सकते। बेचारे वर्कर को तो बोनस ही नहीं मिला। तो वर्कर ने केस कर दिया ए लिमिटेड पे कि भैया ये जो पैसा था वो हमारे लिए था, वर्कर्स को बोनस मिलने के लिए था, लेकिन ए लिमिटेड ने बड़ी ही चालाकी से सी लिमिटेड बनाकर पैसा ट्रांसफर कर दिया ताकि वो अपनी लायबिलिटी को पे ना कर पाए। इसके अंदर कोर्ट का जजमेंट आया कि जो ये सी लिमिटेड बनी है, ए लिमिटेड ने जो भी अमाउंट ट्रांसफर किया है सी लिमिटेड को, होली ओल्ड सब्सिडरी को, ताकि वो डिविडेंड का पैसा जो उनको मिला था वो इधर ट्रांसफर कर दे और इनको इनका बोनस का पैसा ना मिले। तो कोर्ट ने बोला ये इंटेंशनली किया था ताकि वो अपनी लायबिलिटी को अवॉइड कर सके, इसी वजह से ये गलत किया ए लिमिटेड ने। ए लिमिटेड को अपने वर्कर्स को तो पैसा देना ही पड़ेगा। और लिफ्टिंग ऑफ कॉपरेटिव विल हुई और ए लिमिटेड को बोला गया कि ए लिमिटेड आपको अपने वर्कर्स को तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। लिफ्टिंग ऑफ कॉपरेटिव मतलब अगर आपने एक इंटेंशन से कंपनी बनाई है जिसमें आप क्या कर रहे हो, टैक्सेशन की चोरी कर रहे हो या फिर अपने पेमेंट की लायबिलिटी की चोरी कर रहे हो, इसी वजह से लिफ्टिंग ऑफ कॉपरेटिव होगा। बात समझ में आई, आई होप आपको ये केस लॉ समझ में आया हो। और इसमें क्या हुआ था वो भी मैंने आपको बता दिया, कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था वो भी आप लोगों को अब पता पड़ चुका है। तो हम बढ़ते हमारे नेक्स्ट केस लॉ पे कि उसके अंदर क्या हुआ था। तो वेट नहीं करेंगे हम, एंड टू एंड किस पे चलेंगे, अगले केस लॉ पे। अब जो नेक्स्ट केस लॉ हमें पढ़ना है उसका नाम बता देता हूं, जो हमारा अगला केस लॉ है, जो केस नंबर 2 हम अभी कवर करेंगे वो है डैमलर कंपनी लिमिटेड। कौन सा केस नंबर 2, डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस, देखो कौन सा है हमारा, डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल रबर लिमिटेड। ये हमारा सेकंड केस लॉ है जो आज हम कवर करते हुए चलेंगे। जल्दी से इसके बारे में भी आपको बता देता हूं।
हुआ क्या था, एक कंपनी थी सी लिमिटेड जो स्टैब्लिश हुई थी कहां पे, इंग्लैंड में। ये कंपनी कहां पर थी, सी लिमिटेड इंग्लैंड की कंपनी थी। ये कंपनी की जो मेन कंपनी थी, डायरेक्ट कंपनी थी, वो थी जर्मन कंपनी। जर्मन कंपनी मतलब जर्मन कंपनी ने अपनी एक ब्रांच सी लिमिटेड कहां स्टैब्लिश करी थी, इंग्लैंड के अंदर। इस कंपनी के जो मेजोरिटी ऑफ शेयर्स थे वो भी उसी कंपनी के थे जो जर्मन में स्टैब्लिश है। इस कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, वो भी रेसिडेंट कहां के थे, वो रेसिडेंट थे जर्मन के। मतलब ये कंपनी स्टैब्लिश तो हुई थी इंग्लैंड के अंदर ताकि ये जर्मन कंपनी को माल बेच सके वहीं पे बना के, लेकिन इसके मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स या फिर जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे वो सारे के सारे कहां थे, जर्मन के थे। अब हुआ क्या, जर्मन और इंग्लैंड दोनों हो गई एनिमी कंपनी। कौन सी हो गई, एनिमी कंपनी। अभी एनिमी कंपनी क्या होता है, जब दो कंट्रीज में वॉर हो जाता है, जब दो कंट्रीज के अंदर वॉर हो जाता है, जैसे जर्मन और इंग्लैंड में वॉर हो गया, तो अब जो भी कंपनी एक दूसरे से ट्रांजेक्शन करेगी इधर से उधर, उन कंपनी को बोला जाएगा एनिमी कंपनी। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो जर्मन के अलावा समझो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हो गया, अब कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे उन कंपनीज को क्या बोला जाएगा, एनिमी कंपनी। तो मुझे बताओ जर्मन और इंग्लैंड के बीच में क्या हो गया था, वॉर हो गया था, तो सी कंपनी जो स्टैब्लिश कहां थी, इंग्लैंड के अंदर, पर इसके मेजोरिटी कहां के थे, रेसिडेंशियल जर्मन के, तो ऐसी कंपनी को क्या बोल दिया गया था, एनिमी कंपनी। अब सी लिमिटेड ने एक केस किया टू रिकवर डेप्थ। सी लिमिटेड का एक डेप्थ था जो इंग्लैंड में ही था, वो उसको रिकवर करना था, लेकिन कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया कि आप वो रिकवर नहीं कर सकते। ऐसे तो कर सकते थे, लेकिन अभी सी लिमिटेड हमारे लिए क्या है, इंग्लैंड के लिए क्या है, एक एनिमी कंपनी है। तो इसी वजह से कॉर्पोरेट भी ओपन हुआ और इसको मना कर दिया गया, मतलब जो इसके पीछे पर्सन है जो रेसिडेंशियल थे, इसी वजह से कंपनी को भी क्या माना गया है, रेसिडेंशियल यहाँ की, और इस कंपनी को भी एनिमी कंपनी मान के ये डेथ के लिए मना कर दिया गया। मतलब सी लिमिटेड अपना रिकवर नहीं कर सकती क्योंकि सी लिमिटेड हमारे लिए क्या बन चुके, एक एनिमी कंपनी। आई होप आपको ये वाला केस लॉ भी समझ में आ गया हो, कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था। तो सिर्फ 7.5 मिनट के अंदर आपने दो केस लॉ कर लिए जिसमें आप कोर्ट का डिसीजन भी बता सकते हैं। होपफुली आपको ये समझ में आया हो, एंड आई रिक्वेस्ट अगर आपको समझ में आ रहे हो तो प्लीज़ हमें फीडबैक दीजिए सो दैट इसी तरीके से केस लॉ हम आपको पढ़ाते रहे। थैंक यू वेरी मच, आपके फीडबैक ज़रूर दीजिए।